हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी सहकारी आवासीय सोसाइटी बसंत विहार कुसुमटी शिमला ने रविवार को मुफ्त स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर और निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। निशुल्क जांच के साथ साथ लोगों ने इस दौरान रक्तदान भी किया। शिमला सचिवालय कर्मचारी सहकारी आवासीय सोसाइटी बसंत विहार द्वारा सोसाइटी परिसर में एक निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सोसाइटी के स्थानीय लोगों के अलावा आसपास के लगते क्षेत्र के लोगों ने अपनी चिकित्सीय जांच की और निशुल्क दवाइयां प्राप्त की। सोसाइटी के उपाध्यक्ष प्रेम ठाकुर ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से शिमला के IGMC के विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लोगों की निःशुल्क चिकित्सीय जाँच की गई। उन्होंने बताया कि शिविर को आयोजित करवाने का मुख्य मकसद लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। यहाँ एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है और एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया है। और जो जिस एरिया में ये कैंप्स लगाए जा रहे हैं वो शहर भी है और बहुत सारे गांवों को इधर उधर के गाँवों को केटर करता है। बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो गाँव से भी यहाँ लोग आए हुए हैं। इसके साथ ही साथ इसका आयोजन ये है कि हेल्थ के प्रति लोगों की अवेयरनेस को किस तरह से उनको जगाया जाए। इस साथ में हमारे यहाँ डिस्प्ले भी किया गया है और जो हमारे जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं वो भी अवेयरनेस के बारे में सभी को बता रहे हैं। इसका मकसद ये एक बेसिकली ये बड़ा नोबल कॉज है अगर ये टाइम टू टाइम आयोजित होते रहें, क्योंकि बहुत सारे पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ के ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हम मुफ्त दवाइयाँ भी बांट रहे हैं और NHM ने हमें सपोर्ट किया है इस बारे में। उनके भी यहाँ लोग आए हुए हैं, वो भी अवेयर भी कर रहे हैं, साथ ही साथ दवाइयाँ भी बांट जा रही है। इस मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला।